कैसे हो आप? सभी साथियों को नमस्कार। तो मैं आपका दोस्त चंद्रपाल, मेरे साथ है कैमरामैन गणेश। तो आज हम पहुंचे हैं खैरमपुर धरने के अंदर। धरना काफी दिनों से चल रहा है, तो यहाँ पर ग्रामीण बैठे हैं, तो इनसे विचार करते हैं कि आखिर धरना समाप्त क्यों नहीं हुआ, क्या कारण हुआ, कि किस बात को लेकर अब अड़े हुए हैं। हाँ जी, धरना प्रदर्शन कर रखे आपने खैरमपुर स्कूल के सामने, की समस्या है? मास्टर की कमी है सर, टीचर नहीं है। तो कितने दिन हो गया अपना? 41 वर्ष। तो कोई सुनवाई, कोई आश्वासन? कोई सुनवाई कौन जी, कोई सुनवाई कौन। तो के बात, धर्म कमजोरी, सरकार में कमजोरी हो रही? कमजोरी साहब मारा में तो कोई भेद, धरना बैठा टीचर खातर है, अभी सरकार की कमजोरी है। नहीं तो की कदम उठाओगे? भाग गए तारी सुनवाई आड़े बैठे रहोगे? बैठे कौन आवाज, 20 तारीख ने धमाका करेंगे बड़ा बड़ा, वो बताना की कौन जी रणनीति करने की पार्ट के बीच। तो कोई और अधिकारी है? ये देखो जी, ये छपवा रखे हमने, ये देखो। अच्छा, इसमें लिखा क्या? दो इसमें बताया है बीजेपी हराओ देश बचाओ। हाँ। बीजेपी को हराना जरूरी है, जरूरी है। पगड़ी संभाल जट्टा किसान मोर्चा समिति हरियाणा, हरियाणा 20 तारीख को। हाँ जी, घर घर पर्चे बांटेंगे, बीजेपी को हराएंगे। बताओ विधायक आया कौन था? आप पूरा विधायक? नहीं जी, नहीं जी, कुलदीप कल आया तो था तरगम, वो चले गए जी यहाँ से। तो आप कहीं गाँव कोई को नहीं आया, कोई बातचीत करने? नहीं, कोई नहीं है, कोई नहीं आया, सरकार का नुमाइंदा कोई नहीं है। विपक्ष तो आता है, दीपेंद्र हुड्डा जी है, जयप्रकाश जी है और जितेंद्र जी आए हैं। हाँ जी, नमस्कार भाई साहब। क्या बात भाई साहब, किस तरह बैठे हुए? ये जी धरना चल रहा है 41 दिन से। तो धरना तो चल रहा है, तारा गांव किस तरह रह रहा है? मोहब्बतपुर वाला तो खुल गया स्कूल, मोहब्बतपुर वाले वोट ज्यादा कीमती होंगे जी हमारे से। अच्छा, खैरमपुर में वोट नहीं होंगे फिर? पर वोट बांट कौन के? हाँ जी, वोट लग तो यही रहा जी, वोट नहीं होंगे या चाहिए नहीं होंगे इनको पार्टी को। अच्छा, वो 3 तारीख तक खुले है जी। अच्छा, उसके बाद बंद हो जाएंगे। अच्छा, 3 तारीख तक तो तारना, 3 तारीख तक मास्टर मुस्टर आ जाएंगे मेरा सर। 3 तक आज बहुत अच्छी बात है। आज कल एक नुमाइंदा कह रहा था जी उनका, कुलदीप विष्णु जी का, भाई कल 12:30 बजे तक आपके टीचर आ जाएंगे। अच्छा, तो सर आज तो 2:30 बज गए, वेट कर रहे हैं, देख रहे हैं कोई गाड़ी। 12:30 बजे कौन नहीं, 2:30 बजे पे तो करने को गाड़ी आओ, तो वेट करने लग रहे हैं जी, देखा भी कदे आगे हूँ। अच्छा, मेरा नहीं कदी तारा ही वो लिखो। विधायक आए थे कोई कि मैं कोई कोई समाधान की बात कर? विधायक जी हमारे पास नहीं आए जी, सिर्फ वो वोट मांगने आए थे गांव के अंदर। अच्छा, हाँ जी, हमारे बोला काले झंडे दिखा दिए, वे स्कूल पर धरना पे बैठे थे और बोला और धक्का मुक्की, पूरा सोशल मीडिया गर्म हो रहा था कल खैरमपुर ना लेके। वो कुलदीप विष्णु को नहीं दिखाए हमने, वो भाजपा को दिखाए सर। अच्छा, भाजपा की नीतियों से बहुत दुखी हैं सर लोग। अच्छा, अब कल ही सिलेंडर 70 रुपए फिर बढ़ा दिया जी, गरीब आदमी क्या करेगा सर ये बताओ? लकड़ी बाड़ लेगा? लकड़ी है कड़ा जी, गल गया नरमा तो पानी भरा पड़ा, देखे आपने? मुआवजा अभी तक कौन दिया? मतलब चारों तरफ से दुखी हो रहे हैं सर। और एक ये हथियार था जी गरीब आदमी का, तो जो गरीब परिवार के बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पे, अब वो जो स्कूल में टीचर ही नहीं है तो कैसे पढ़ेंगे सर ये बताओ? पहले भी मामा आए थे धरना पे, तो पूरा एक बोर्ड लगा रखा था, वो गांव का छोरा पढ़ाया करता, बोले हमारा मास्टर जी है यो पढ़ावा है, यो गांव के भाई इनका सब्जेक्ट है, पेपर पापर भी हो लिए, 29 तारीख के पेपर थे सितंबर के, बताओ दे पेपर भी हो लिए, तो ये भी के करा गया आगे के दो मास्टर ने काम चला लोगे क्या? सर हमने गाँव को पूरा इकट्ठा, गाँव को करके इकट्ठा चंदा इकट्ठा किया, 4 टीचर हमने रखवा दिए सर। जब तक टीचर नहीं आते सर तब तक धरना रहेगा और वो काम चलता रहे। टीचर तो फिर कोई आवा तो भी पढ़ा दे रहे सर, इलाज क्या है फिर धरना क्या भी दे रखा हो? धरना सर प्रदर्शन करेंगे बहुत बड़ा, 20 तारीख को सरकार को दिखा देंगे आदमपुर में, बहुत बड़ा प्रदर्शन। एक सरकार न्यू चाहवा की ये उरे बैठे रह गए, काम धंधा करे को नहीं, वो घर को करता लगा फिर हो सकता है सर, क्या करे भी शिक्षा से, हमें सिर्फ शिक्षा ही चाहिए सर। खाने का क्या, जैसे मैं भी जॉब करता हूँ, ये सारे मजदूर हैं सर, लेकिन शिक्षा सबसे पहले जरूरी है सर। कणक दे रही है सरकार, वो खा रहे हैं सर, उनके नुमाइंदे भी कहते हैं। आदमपुर में उपचुनाव का भी आगाज हो गया भाई, मंत्री संतरी आया करे, शीशी चीज हो जित बुढ़ाने खातर भाई खड़े हो जो, कोई नहीं तारा समाधान काट देंगे, आगे भाई मास्टर आगे को नहीं, तू ईसा कोई सम होया कि मैं एक भी को नहीं आया जी, मेरा नहीं केस होता है चमक है जी आने से। नुबले डाणिया मन नुबले लाइट कोनी नुबले अगला दिन खंभे आ जा, चुनाव हो जीत तार खिंच जा, सारे काम हो जा, नुबले उरा नाली पुली को नमण दी, रातो रात पुली बन जा, तो यो समस्या कुकर सर ऐसे आ जाओ तो जी सोरा तो जे भी कोई है आश्वासन तो मिले, आश्वासन ही कोनी जी।
कोई मतलब आके बेलो बी ओ डी ओ आए थे, उन्होंने आश्वासन दिया था, बोले आ जाएंगे जी, लेकिन गोल मटोल घुमा के चले गए। डी सी साहब को ज्ञापन दिया था हमने, 14 तारीख को हमने बहुत बड़ा प्रदर्शन किया था, आपने देखा होगा, पगड़ी समाज किसान संघर्ष समिति हमारे साथ थी, आज भी हमारे पास आई थी किसान संघर्ष समिति कि हम आपके साथ हैं, और जैसे कल कोई छोटी मोटी घटना हुई थी गाँव के अंदर, तो दरदर मौका है, ये भी चुनाव है मौका के, तो मंत्री भी आओगे, संतरी भी आओगे, रैली भी होगी, बीजेपी के भी आओगे, कांग्रेस के भी आओगे, और आप आदमी पार्टी के सारे आओगे, तो तारी बात रख सको तो वैसे भी बिना धरना दिए। बिल्कुल रख रहे हैं सर, धरना बगैर कौन सुनता है सर। अच्छा, जो धरना देने के बावजूद भी किसानों को 13 महीने बैठे रहे किसान हैं, उनकी बात भी नहीं समझ पाए तो हमारी कहाँ से सुनेंगे सर, इतनी 13 महीने हम तो बैठे हैं, 13 महीने तो टारगेट है, अभी हो सकता है सरकार 13 महीने के बाद में सुनती हो। ढाणी मोहब्बतपुर का स्कूल खोल दिया, तो खोल दिया उसमें बालक भी आ सके, तारा सह उनके लिए संपर्क सर, अभी तक हमारा दोबारा संपर्क नहीं हुआ है, वहाँ विनोद जी वो देख रहे हैं। अच्छा। उन्होंने स्वागत भी किया उनका, तो अभी नहीं है कि उनका खोल दिया गया, कह रहे हैं कि टीचर बच्चे जा रहे हैं स्कूल के अंदर, क्योंकि गांव के उन्होंने भी टीचर रखे हुए ना। अच्छा, इस हिसाब से तो ये समस्या सारा 5-6 गाँव से उनमें सारे में है। अच्छा, तो क्या कहना चाहोगी सर? यही है, सरकार से बार बार गुहार लगा रहे हैं, भाई बच्चे टीचर भेज दीजिए, हम आज ही धरना समाप्त कर देंगे, हमें क्या दिक्कत है, हमारे को विशेष आदमी से थोड़ी ना है, कुलदीप बिजनो जी से हमारी को पर्सनली लड़ाई थोड़ी है, हम तो ये रहेगी गांव में भाईचारा। बात शिक्षा की है, लड़ाई किसते नहीं है, वही मास्टर आ जाए हमारा धरना खत्म। बिल्कुल सर, यही है, टीचर आज आ जाए, आज ही हम धरना समाप्त कर देंगे। और दूसरी बात, जो है करे करा है, जो सरकार का नुमाइंदा होकर उसने गाल बकया करे करा, उसने कहा जाए करे करा, अच्छी न्याय जो भी है, कुलदीप बिश्नोई बीजेपी मारे है, तो जिद कह है जो कांग्रेस में और तो कोई कौन कह रहे। बिल्कुल सर, अगर कुलदीप बिश्नोई जी कांग्रेस में होते तो भी इधर ही हम 20-30 सर धरना लगता। तो तभी मैं यही तो कह रहा हूँ कि कुलदीप बिश्नोई जी बीजेपी मांगे तो हमारी कोई गलती नहीं है सर, ये सरकार की पॉलिसी है। झंडे थोड़ी दिखाते हैं हम उनको भी, और भी आ रहे हैं विपक्ष वाले, उनको किसी को नहीं दिखा रहे हम, वो आ रहे हैं हमारी बातें सुन रहे हैं, अब उनको क्या कहें हम, ये बताओ। हाँ जी, नहीं भाई जी, बैठे हैं 41 दिनों से, कोई समाधान निकला? 126 बच्चों पे 2 ही टीचर है, और सरकार हमारी सुन नहीं रही, विपक्ष लगभग सारा आता है, और जो सरकार के कोई भी आदमी कोई भी सिस्टम से कोई हमारे पास नहीं आया, तो फिर आगे क्या कदम उठाओगे बाबा? आगे तो सर अभी कदम तो आपको पता है, जब कोई चीज़ नहीं सुनी जाती तो पब्लिक का परेशान है, उसके बारे में आपको पता है अभी क्या करे जाए आगे, भी सिस्टम को बदल देना चाहिए मेरे को। तो समाधान हो जाएगा फिर? समाधान तो सर हाँ बिल्कुल सुने, सिस्टम बदलोगे तो? सिस्टम यही बदलेंगे जी, जैसे अपने अभी इलेक्शन है, बाई इलेक्शन, तो मान लो कुलदीप हार गया, हाँ जी, कांग्रेस का बन गया, तो हाँ सरकार तो ना गिर रहने दिया है, तो सरकार को पता तो चलेगा, सरकार के होते हुए सुध तो लेगी सरकार भी, कुछ सिस्टम इस वजह से सुध तो सुध लेनी हो तो ये भी ले ले, वोट चाहिए मौका का पास चौका ही, तो जी सुन, अब सुध नहीं ले रहे तो तभी तो बैठे धरने पे जी, वो कौन का करा नूलिया काम, 5 साल में नहीं हो जिद वोट पड़ा जिद होया करा, नूले इसका खंबा ला दो, इसका तार खींच दो, ढाणी में लाइट नहीं हो, लाइट वो हो जाए, इलेक्शन तय पे इलेक्शन है, मैं कई काम इसे लिख दिया करा जो डट रहे हो, यह तो मेरा है सर, लाइट का और ये पानी का काम तो सरकार कहती आ रही है, एक आश्वासन हुआ है, एक भरोसा हुआ, एक विश्वास हुआ है, हाँ भाई काम हो जाएगा, कोई आश्वासन नहीं है सरकार का, ना कोई विश्वास दिलाया गया है, ना कोई आया है।